सिंखेड़ा गोंदिया जिले की नगर परिषद फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी कामड़े, जिनके पिता जनीराम कामड़े की तबीयत अचानक खराब होने के बाद पूर्व पार्षद कल्लू यादव इनके माध्यम से केटीएस हॉस्पिटल गोंदिया में एडमिट करवाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की सलाह से उन्हें नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल रेफर करवाना था। 27 अगस्त को कल्लू यादव ने सीएस की मदद से वहां डॉक्टरों को बोलकर 108 एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट की, पर तीनों एम्बुलेंस नागपुर में होने की वजह से उन्हें नहीं मिल पाई। 28 अगस्त को कल्लू जी यादव इनके माध्यम से बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस मिली, जिसमें एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर लीकेज था, फिर भी पेशेंट को अर्जेंट नागपुर रवाना करना था। गाड़ी पेशेंट को लेकर रवाना हुई, तभी तुमखेड़ा रोड पर चलती एम्बुलेंस का टायर बाहर निकल गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट के साथ साथ तीन जन भी थे। ड्राइवर को मिलाकर टोटल 5 लोग उस गाड़ी में थे। एक बड़ी घटना हो सकती थी। कल्लू यादव ने तुमखेड़ा पहुंचकर अपने अथक प्रयासों से दूसरी एम्बुलेंस तत्काल बुलाई। वह पेशेंट को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। वह नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई, पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उसका जवाबदार कौन है, यह प्रश्न चिन्ह आज भी कायम रहेगा। फिर एक बार मानव सेवा के लिए लोकेश यादव सामने से चल कर आए। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।